दोस्तों अक्षय कुमार की बॉलीवुड में भारी भरकम डाउनफॉल के बाद अब वो आ चुके हैं अपनी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी का सीक्वल लेके OMG के बाद OMG पार्ट 2। आइए देखते हैं मजा आएगा। जहां सबसे पहले OMG 2 के स्टार कास्ट की बात करें तो फर्स्टली हमारे अक्की भैया जो इस तरह के रोल करने में माहिर है, जहां हमारी सोसाइटी को एक्सपोज किया जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारी इंडिया के मैक्सिमम ऑफ द सोसाइटी है ही बेवकूफ और चूतिया। देन पंकज त्रिपाठी जिनको मूवी में बस देख लेने से आनंद आ जाता है क्योंकि उनके कूल एंड काम रियलिस्टिक एक्टिंग के तो हर कोई दीवाने हैं। और तो और उन्होंने आज तक किसी भी मूवी में बैड परफॉर्मेंस नहीं दिया, जो कि इस ट्रेलर में भी दिखता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी प्यारी फेवरेट एंड ब्यूटीफुल यामी गौतम, जो कि इस मूवी में उनका कैरेक्टर हीरो के खिलाफ है। और साला इस टाइप के नेगेटिव रोल में मेरी सभी फेवरेट हीरोइंस इतनी ज्यादा सेक्सी क्यों लगती है? ओह गॉड, एक बार दिला दे। अब अगर असल ट्रेलर की बात करें तो भाई साहब एक एक ग्लिम्स देख के ओरिजिनल वाले ओजी ओ माय गॉड मूवी की याद आ जाती है। जहां इसके स्टोरी की बात करें तो शायद पंकज जी के कैरेक्टर कांति सरन के बेटे के साथ उनके स्कूल में कुछ ऐसी अनहोनी होगी जिससे कांति जी की लाइफ खतरे में आ जाएगी, क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट उस अनहोनी की वजह से कांति का बेटा एक ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लेगा। उफ, सैड स्टोरी लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। और फिर उसके बेटे के मौत के बदले जस्टिस तो चाहिए ना कांति भाई को, तो वो चल पड़ेंगे केस लड़ने, वो भी पूरे के पूरे स्कूल के खिलाफ। बोले तो सिस्टम पार देंगे। अब भाई लोग एजुकेशन के प्रेशर के वजह से ना जाने इंडिया में कितने सारे बच्चे ये गलत कदम उठा लेते हैं, और शायद इसी डर्टी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना इस मूवी का मेन स्टोरी प्लॉट होगा, जहां कांति बनेगा इस गौरव जैसी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ अर्जुन, और गुरु उसे तो हेल्प चाहिए ना एक कृष्णा जी की। तो फिर एंट्री होगी अक्षय सर के कैरेक्टर की, जो की हेल्प करेंगे कांति की, और वो होंगे शिव जी के एक अंश, क्योंकि अपने कांति चाचा डाई हार्ट भक्त जो ठहरे भोले बाबा के। देन हाँ पाजी, ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा होगी, और इस ट्रेलर को देख के लगता है कि अक्षय कुमार की पिछली मूवीज की तरह इस मूवी में जबरदस्ती की कॉमेडी और क्रिंज जोक नहीं घुसेड़े गए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई लोग इस मूवी के मेकर्स वही है जिन्होंने पिछली वाली OMG बनाई थी, तो एंटरटेनमेंट में कोई भी कमी नहीं होगी, इसकी तो फुल गारंटी है। एंड हाँ, इस मूवी में ज्यादातर सिचुएशनल कॉमेडी होगी। समझा? तू समझा नहीं? क्योंकि उस बाजार वाले सीन में जब शिवजी कुछ दुकान से खरीदते हैं और फिर दुकानदार उनसे पैसे मांगता है, तो शिवजी उन्हें बदले में आशीर्वाद दे देते हैं। देन दुकान वाला बोलता है कि आशीर्वाद नहीं पैसे दो, और उसके बाद जो शिवजी का रिएक्शन था वो काफी ज्यादा फनी था, अगर आप लोग उसे एक बार में समझ पाओ तो। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप लोग तो ना समझो, वरना तेरे को डर नहीं लगता? देन इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफी ज्यादा शानदार होगा, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में कुछ हो ना हो उनके कोर्ट ड्रामा वाले सीन्स काफी ज्यादा मजेदार होते हैं, और इसमें भी कोर्ट कन्वर्सेशन वाले कुछ अमेजिंग डायलॉग्स है जो कि दिल खुश कर देते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात की गॉड्स एंड स्पिरिचुअल रिलेटेड मूवी है तो थोड़ा बहुत दंगा होना तो बनता है, और ट्विटर में तो अभी से ही बॉयकॉट चालू है BC। एंड हाँ यार, ओवरऑल बोलूं तो मूवी बहुत बहुत एक्साइटिंग लग रही है, और मैं भी बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ इस पिक्चर को देखने के लिए। और अब आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो OMG 2 मूवी के लिए। एंड तब तक के लिए देखते रहिए नाती गेम, जो बोले तो धन्यवाद दोस्तों।